आज कांग्रेस देश भर में किसान विजय दिवस मना रही है। इसके तहत किसान रैली और किसान सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को कैंडल मार्च के जरिए श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो आपको बता दें कि कल ही कृषि कानून की वापसी की खबर सामने आई, प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही और उसके बाद कांग्रेस अब सामने आई है, कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने के भी होड़ है। और ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि आगे किसान जो भी फैसला लेंगे उसमें कांग्रेस उनके साथ रहेगी। इस बीच आंदोलन के दौरान मृतकों के सम्मान में आज कांग्रेस कैंडल मार्च निकाल रही है और साथ ही साथ कृषि कानूनों पर आज कांग्रेस का किसान विजय दिवस मनाने का कार्यक्रम है। आज देश भर में महाविजय रैली कांग्रेस निकालने वाली है जिसमें कैंडल मार्च भी किया जाएगा। किसान रैली, किसान सभाओं का अलग अलग जगहों पर पूरे देश भर में कार्यक्रम होगा। मृतक किसानों को श्रद्धांजलि के लिए कई सभाएं की जाएंगी। साथ ही आंदोलन के दौरान जो किसान मारे गए हैं उनके सम्मान में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। और कृषि कानून वापसी को लेकर किसानों की क्या प्रतिक्रिया है आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए ये कहना है राकेश टिकैत का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बातचीत के जरिए तय हो सभी मुद्दे, अभी तक सारे मुद्दे तय नहीं हुए हैं, बिना बातचीत खत्म नहीं होगा आंदोलन। उन्होंने कहा खाली कृषि कानून वापसी से मसला हल नहीं होगा, 700 शहीद किसानों पर भी बात हो, किसानों पर मुकदमों का निपटारा तय हो, क्योंकि इस बीच किसानों पर हजारों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा करेगा अंतिम फैसला, राकेश टिकैत ने यह कहा, क्योंकि आज भी महाबैठक होने वाली है। आज मीटिंग होगी उसकी और उसमें फैसले लिए जाएंगे कि आगे कैसे आंदोलन को चलाना है। एजेंडे पे क्या कुछ रहेगा? ये तो सारे एजेंडे रहेंगे उसमें, एमएसपी भी रहेगा, ये भी रहेगा कि हाउस में रखा जाए या कई दिन में वापसी हो जाएगा, जो और मामले हैं उसमें भी रहेगा। दूध का एक कानून आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, पोल्यूशन वाला है, मुकदमे हैं, तो वो बातचीत का हिस्सा रहेगा। सरकारी टीवी से घोषणा हुई है, कल बातचीत करनी पड़ेगी तो किससे बात करेंगे? ये तय हुआ था कि एमएसपी पे 3 बिल के बाद में बातचीत करेंगे और फिर एक कमेटी बन जाएगी, धरना उस पर खत्म हो जाएगा, एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी फिर जो भी और मामले होंगे उस पर बातचीत करती रहेगी। और हमारे संवाददाता कुमार कुणाल सीधे गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि पहले लगातार किसान ये कह रहे थे, जब से वो आंदोलनरत थे, वो ये कह रहे थे कि ये कानून, काला कानून वापस हो, तीनों कानून वापस हो तो उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जबकि कानून वापस हो गया है, उसके बाद उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त डिमांड्स की हो गई है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पहले जो बातचीत होती थी तो उस समय सीधा ये कहा जाता था किसान संगठनों की तरफ से कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन जब से घोषणा हुई है, लगभग 24 घंटे और या उससे भी ज्यादा हो गए हैं प्रधानमंत्री की घोषणा को, अब जो फेहरिस्त है उसमें सबसे पहले MSP, फिर बातचीत तमाम किसान संगठनों के साथ, और जो बाकी बिल है जो किसानों से संबंधित है उनको वापस लेने की भी बात अब सामने आ रही है। साथ ही साथ मुआवजे की बात, कानून जो इस आंदोलन के दौरान जो किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने की बात, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि अब किसान संगठन करने लगे हैं। महत्वपूर्ण है, आज की बैठक 32 किसान संगठनों की होगी और उसमें एक तरीके से मसौदा तय किया जाएगा। और कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की एक और अहम बैठक होनी है जिसमें तकरीबन 35 किसान संगठन हिस्सा लेंगे, इनमें ये तमाम चीजों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, ये बताया जाएगा कि क्या कुछ अब आगे रणनीति होगी। तो घर वापसी का जो मसला है वो भी किसान मोर्चा की, इस बीच एक बात समझना चाहूंगी, लगभग एक साल का ये पूरा वक्त जब से आंदोलन चल रहा है, इस बीच कई दौर की सरकार से भी बातचीत हो गई किसान प्रतिनिधियों की, क्या जो अब फेहरिस्त, जो अब डिमांड किसान सामने लेकर के आ रहे हैं कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हम नहीं आंदोलन खत्म करेंगे, इस बीच इन मुद्दों को लेकर क्या कभी जिक्र किया गया? देखिए, MSP पर बात लगातार होती थी कि MSP पर गारंटी दी जाए, इस पर तो हम सहमत हैं कि ये बातचीत है, लेकिन जो आज
बताया जा रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जब तक जनवरी महीने में बातचीत हुई थी, जब 11 दौर की बातचीत हुई थी जिसका जिक्र आपने किया, तो जब अंदर बातचीत होती थी तो ये तमाम जो कानून थे उनसे उन पर भी चर्चा होती थी। तो इसीलिए किसान संगठनों का कहना है कि सिर्फ घोषणा से काम नहीं चलेगा, जो 11 दौर की मीटिंग हुई थी और उसमें तमाम मुद्दे जो हमने उठाए थे सिलसिलेवार तरीके से, उन सभी विषयों पर फिर से किसान संगठनों को बुलाया जाए और ये बताया जाए कि क्या सरकार कौन सी मांग मान रही है, कौन सी नहीं मान रही है, और उस पर आगे क्या कमेटी बनाई जाएगी जिसमें इस पर चर्चा हो सरकार के साथ और किसान संगठनों के साथ आपस में आमने सामने बैठकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए।